यार मैंने लास्ट वीक में जो कहा था शायद वो चीज बिग बॉस तक पहुंच गया, और मेरे जैसे कई सारे लोगों ने ये कह दिया होगा कि भाई अनिल कपूर एज अ होस्ट कहीं पे भी परफेक्ट नहीं है। शायद इस चीज को मेकर ने बहुत ज्यादा सीरियसली लिया और शायद अनिल कपूर ने जा करके सलमान भाई को बोला कि भाई थोड़ा सा ट्यूशन दे दे ताकि मेरा जो है थोड़ा टीआरपी ऊपर जाए, और शायद यही हुआ है। क्योंकि कल के दिन में वीकेंड के वार पे जो हुआ था भाई, क्योंकि कल के दिन वीकेंड के वार में जो हुआ है भाई वो अनबिलीवेबल है। मतलब जो सुर पहले अनिल कपूर का था वो सुर अभी पूरी तरह से बदल चुका है, और मेरे को देख देख करके हंसी आ रही थी कि भाई टॉपिक क्या क्या चल रहा था उसके ऊपर में कौन कौन सा क्लास लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे कल के दिन में सिर्फ दो जन को ज्यादा टारगेट किया गया है, वो है विशाल पांडे और सना मकबूल। इन दोनों को जिस लेवल का पेला गया ना भाई, वो समझो अभी उनके पर्क उतर दिए गए हैं। देखो जहां तक मैं जान पाया हूँ सना मकबूल को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, वो फिर से उसी लाइन पे काम करेगी जैसे वो करते आ रही थी। उसने बस दिमाग में लिया हाँ ठीक है तुम्हारा काम है सुनाने का, उसके से मैं देख लेगी मुझे क्या करना है, वैसा वाला एटीट्यूड लग रहा है। और विशाल पांडे की तो लिटरली फटके चार हो गई है, मुंह उतर सा गया है, और जिस टॉपिक के बारे में साला मैं सोच रहा था ना वो टॉपिक फाइनली उठाया गया। मतलब कल और परसों के दिन में पूरा वायरल जा रहा था कि भाभी लवर स्पॉटेड, विशाल पांडे का वो वाला क्लिप वायरल जा रहा था। अब पता नहीं क्या ऐसा चुल मची भाई पायल में, जो वो आ करके खास करके ये बताने लगी कि तुमने क्या बोला था वो अभी क्लियर करो। ओ भाई कड़क था। वैसे सच बताऊं तो ये टॉपिक एकदम डिजर्व करता था पिक करना, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा किसी की बीवी के ऊपर में भाई सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि आई एम फीलिंग गिल्टी, और वो गिल्टी वाला लाइन क्या था, उसने बाथरूम में जाके कुछ किया या फिर उसको जब से देखा वो पागल हो गया और कुछ तो कंटिन्यूसली कर रहा है और अंदर में कुछ विचार ऐसे चल रहे हैं जिसके वजह से वो कह रहा है आई एम फीलिंग गिल्टी। अगर रोमांटिक वे में कह रहा हो तो भाई आई एम फीलिंग गिल्टी कि मैं इससे मिला और मुझे प्यार होने लग गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसने कोई भी चीज को खुले में नहीं कहा, सीधा जाके लव कटारिया के मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे भाभी बहुत अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे जो सवाल उठाया गया है वो एकदम करेक्ट है कि अगर तुम्हें इतना ही सिंपल वे में कहना था तो तुम खुला कह सकते थे, सीधा जाके भाभी को कह सकते थे कि भाभी आप आज बहुत अच्छी लग रही हो, आज बहुत सेक्सी लग रही हो, बोल सकते थे यार, कॉम्प्लीमेंट दे सकते थे कपड़े के ऊपर में या फिर आउटफिट जो भी उसने पहना था। लेकिन ऐसा क्यों भाई, कान में जा करके बोला, और जो भी चीज बोला वो काफी ज्यादा आपत्तिजनक था, क्योंकि लव कटारिया ने जिस तरह से रिएक्ट किया, अरे क्या बोल रहा तू, अरे कुछ तो सोच समझ के बोल, मतलब जिस तरह से रिएक्ट किया उससे समझ में आ गया उसने क्या वर्ड बोले होंगे कान में। अभी लव कटारिया जो है बीच में फंस गया है कि वो दोनों साइड से भी बजने वाला है। इधर पे अनिल कपूर पूछ रहे थे कि देखो तुम इकलौते गवाह हो जिसने इस बात को सुना होगा, बताओ एग्जैक्टली क्या बोला था। वो बंदा भी वहां पे खेल गया, ऑब्वियसली बात है यार नेशनल टेलीविजन के ऊपर में एक फीमेल के बारे में बात हो रही है और उस चीज को रोकना, उस चीज को सही से बताना, वो चीज भाई एक जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया भाई क्यों। वहीं पे जो दूसरा टॉपिक था वो दूसरा टॉपिक भी मस्त लगा मुझे कि लड़कियों की इज्जत होती है क्या, लड़कों की नहीं होती। अब मैं खाली वेट कर रहा था कि अरे मिस्टर झकास थोड़ा सा यार थोड़ा आगे बढ़ो, उसने कुछ और बोला था मेरा मर्द किधर है। उसका जो एग्जैक्ट लाइन था वो यही था कि मेरा मर्द बाहर है, वो मुझे कच्चा खा जाएगा। उसने इसी शर्त के साथ अंदर भेजा है कि मेरा ऐसा कुछ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैडम बाहर जाने के बाद में लगता है लव सॉन्ग्स वगैरह नहीं करने वाली है, और जिस तरह से उन्होंने बोला है मेरा मर्द है, क्या बात है, ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर में आप लोग पागल होते रहते हो, ऐसी चीजों को जा करके मतलब क्या बढ़ावा देते हो, 10 का चीज 50 में काटते हो, दो दो घंटे लाइन लगते हो, और वहीं पे बेचारा कोई शरीफ आदमी बेच रहा हो उसको सीधा बोलते हैं कि इसके दुकान में जाना बंद कर दे भाई, बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। तो हाँ यहाँ पे बंदी जो है उस चीज को खेला और सीधा वही वाला गेम खेला जैसे कि लास्ट इंसिडेंट हुआ था, दुपट्टा खुद गिरा करके कह रही थी कि मेरा दुपट्टा देखो फेंक रही है, दुपट्टा देखो मेरा निकाला है, बिल्कुल वैसी। और लिटरली उसने जा करके जिस तरह से लोगों से कहा तो वो ऐसे ही था कि मेरे को आके बोलता है मसाज तो मैं क्यों करवाऊं उससे मसाज, ऐसा था जैसे वो मसाज देने के लिए मरा जा रहा था। इतना तो भाई अकल होता ही है सब में कि मैं नेशनल टेलीविजन पे हूं, आज ये वो जमाना है जब लोग कमेंट में इज्जत उतार देते हैं, कमेंट सेक्शन पे जाओ भाई रोस्टिंग जो है ना उसका लेवल बहुत हाई हो चुका है, अब कोई क्रिएटर बनने की जरूरत नहीं है लोगों को, लोग ऐसे ही फील देते हैं। तो डू यू हैव आइडिया कि एक टीवी स्टार भले से वो किसी लेवल पे भी हो उसकी इमेज अभी बाकी है भाई, उसकी पूरी जिंदगी बाकी है, वो क्यों करेगा वो भी, मतलब एक भाभी के पीछे में एक तरफ में बंदा भाभी लवर बन रहा है, दूसरी तरफ में किसी और को भाभी लवर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ठीक है दोनों टॉपिक मस्त था, और अभी जो चीज भाई सामने में घूम रहा है वो ये है कि सन से कान के नीचे में भाई बजाया है अरमान मलिक ने, और अरमान मलिक भाई वो भड़क गया है। और मैं वही सोच रहा था कि उस बंदे को अभी तक नहीं पता है, जब वो ये डायलॉग मार भी रहा था ना कि आई एम फीलिंग गिल्टी, उस टाइम में भी मैं खाली सोच रहा था कि अगर अरमान मलिक को पता चला तो क्या होगा। मतलब उसकी वैसे तो कुछ है नहीं, वो बस जो चीज दिखाने के लिए आया है वो दिखा रहा है, लेकिन अगर वो अपने आप को किंग फील करता है कि मैं किंग हूँ, दो बीवियों का अकलौता पति हूँ, तो भाई उस चीज के हिसाब से बंदा तो बहुत कड़क एक्शन लेगा। एंड फाइनली
hated it. और एक चीज और बता देना चाहता हूँ, being an audience, being an experienced audience of Big Boss, तो भाई ये बंदा घर से बाहर नहीं जाने वाला है, पब्लिक सपोर्ट करेगी, मैं कह रहा हूँ इसको पब्लिक सपोर्ट करेगी कि सही हाथ उठाया है एक ऐसा लड़का जो कि भाई वो किसी भी लड़की के साथ में ये सारी चीजें बोल सकता था, अगर है भी तो नेशनल टेलीविजन पे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोला है तो भाई उसका खामियाजा यही है। तो मेरे हिसाब से आज इस टॉपिक को उठाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि नेजी का टॉपिक पड़ा हुआ है, ठीक है, रणवीर शोरे का टॉपिक पड़ा हुआ है, एंड इट वॉज क्लियर कि वहां पे रणवीर शोरे को पूरे तरह से मौका दिया जा रहा था बात करने को और विशाल को हर एक सेकंड पे काटे जा रहे थे। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, तुमको गोल गोल घुमा के बात करना है, मतलब एकदम अनिल भाई एकदम आ गए एकदम टॉप लेवल पे कि भाई अब देख मेरे को बोला था ना मैं पिचकारी जैसे बात कर रहा हूँ पुचकार रहा हूँ, अब तू देख ठीक है मजा आ रहा है, वीकेंड का वार थोड़ा मजा दे के गया है और आफ्टर वीकेंड का वार जो कांड हुआ है उसको डे टू पे देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। आपका क्या राय है, आप क्या कह रहे हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन पे लिख करके बताओ, एंड कौन सही कौन गलत, आप किसके सपोर्ट में है वो भी बताना। जब नेजी और लव कटारिया का हुआ तो उसपे किस पे, मैं नेजी के साथ हूँ जबकि वो स्टोनर लगता है गाढ़ा रहता है, तो नेजी के बारे में भाई मैं उसके साथ में हूँ, लव कटारिया के साथ में नहीं हूँ। यहाँ पे विशाल पांडे के साथ में जो हुआ अभी मैं फिर रणवीर शोरे के साथ में हमेशा से था अभी भी हूँ, ऐसी हरकतें करने के बाद भी उसको जाके वो कंसोल कर रहा था कि देख ये सबको दिमाग में मत ले कि ऐसा डांट वाट दिया टीवी पे, स्पोर्टिंगली ले और ऐसा कुछ नहीं होता है आराम से रहना। तो भाई इसके बाद भी अगर विशाल पांडे ने कभी भी इंसल्ट किया ना रणवीर शोरे को, साले को जूते खोल के मारने चाहिए। तो मैं ऐसे इस तरफ में हूँ, आप किस तरफ में हो बताओ कमेंट सेक्शन पे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो मस्त रहो जबरदस्त रहो।